भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बजट 2024-25 में बिहार को सबसे अधिक मिला है और बिहार में भी सबसे अधिक भागलपुर को। उन्होंने बताया कि बिहार को पूर्वोदय योजना में शामिल कर राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए बजट 2024-25 में 26,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वही भागलपुर के पीरपैंती के ड्रीम पावर प्रोजेक्ट समेत विद्युत परियोजनाओं के लिए भी करीब 22,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बिहार में एयरपोर्ट्स का भी ऐलान किया गया है, जिसमें निश्चित रूप से भागलपुर एयरपोर्ट को भी मौका मिलेगा। बक्सर से भागलपुर के बीच सड़क के निर्माण के लिए इलाके के विकास में 4 चांद लगेगा। कोसी मीची इंटरस्टेट लिंक बैराज समेत बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में अनेकों घोषणाएं की गई है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि पीरपैंती में पावर प्रोजेक्ट के लिए पहले ही जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन पिछले यूपीए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब पीरपैंती में पावर प्रोजेक्ट के लिए बजट प्रावधान से इस इलाके को भी विकास कहलगांव की तरह हो जाएगा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि राजगीर भागलपुर में एयरपोर्ट का ऐलान राज्य सरकार ने पहले ही कर रखा है। अब केंद्रीय बजट में भी बिहार में एयरपोर्ट्स के ऐलान से भागलपुर समेत राज्य के कई एयरपोर्ट्स का बनना तय हो गया है। बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए तेजी से अग्रसर हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को बहुत बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बेहतरीन बजट उन्होंने देश को दिया। ये बजट किसानों की मदद करेगा, ये जवानों की मदद करेगा, रोजगार पैदा करेगा, आधारभूत संरचना को मदद करेगा, ये जो पिछड़े राज्य हैं उनकी मदद करेगा। खासतौर बिहार के लिए ये तो बहुत बड़ी सौगात है कि हमारे यहाँ भागलपुर में पीरपैंती में 22,000 करोड़ का बिजली घर देने का काम किया, बक्सर से भागलपुर सड़क देने का काम किया, बाढ़ की समस्या के लिए जो कोसी में इलाके में बाढ़ आती है, कोसी मीची प्रोजेक्ट बहुत पहले से डिमांड में था, उसको पूरा करने का काम किया, एयरपोर्ट बिहार को देने की बात कही है। तो इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए वित्त मंत्री की, वो कम है। नरेंद्र मोदी जी के दिल में बिहार बसता है, उन्होंने बेहतरीन बजट दिया है, मैं इसके लिए उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और भागलपुर के लोगों को भी बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अच्छी सड़कें मिल गई, एयरपोर्ट की भी संभावना पूरी बढ़ गई, क्योंकि एयरपोर्ट अनाउंस हुआ है कि बिहार में एयरपोर्ट बनेगा। पहले से बिहार सरकार नालंदा और भागलपुर में 2 एयरपोर्ट प्रस्तावित कर चुकी है और पीरपैंती में जो पहले से लैंड एक्वायर है बहुत पहले से, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा था। अब 22,000 करोड़ का पीरपैंती में प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया है बिजली का, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, पूरे बिहार में खुशी की लहर। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर में रात 8 बजे के करीब नूरपुर के ही रहने वाले कुख्यात रूपेशवा यादव ने संजीव शाह दुकान पर चढ़कर लगभग 1,00,000 रुपए लूट लिए और जाते जाते व्यवसायी को धमकी दी कि अगर पुलिस को सूचना दी तो पूरे परिवार को गोली मार देंगे। व्यवसायी इतना डर गया कि उसने 2.5 घंटे तक पुलिस को सूचना नहीं दी। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि 2 युवक आता अपने पास से हथियार निकाल कर व्यवसायी पर तान देता है और गल्ले से रुपया लूट लेता है। रुपया लूट कर कुख्यात राघोपुर टीकर गाँव की तरफ भाग जाता है। सूचना पर मधुसूदनपुर पुलिस पहुंचती और घटना को लेकर दुकानदार से पूछताछ की, लेकिन दुकानदार ने अपराधी को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। जबकि रूपेशवा को वहां के आसपास के लोग पहचान रहे हैं, लेकिन खौफ इतना है कोई भी पहचानने से इनकार कर रहा है। दुकानदार संजीव शाह ने सिर्फ इतना बताया कि 2 की संख्या में अपराधी आए और हथियार का भय दिखाकर लगभग 1,00,000 रुपए लूट लिया। वहीं उसकी पत्नी ने रोते हुए बताया कि हम नहीं पहचानते, जाते जाते अपराधी बोल गया है कि तुम्हारी 4 बेटी है, सबको जान से मार देंगे, जान बचेगा तो बहुत रुपया कमा लेंगे। पुलिस ने कुख्यात रूपेश यादव के भाई विकास यादव को हथियार गिरफ्तार कर लिया है और एक बाइक भी बरामद की है। निकाल के ले गया गद्दी से, बोला कि अगर तो बोल मैं गाली बक के बोला कि बोल मैं तो तेरा करूं बोल। कितना पैसा निकाला? कितने लोग थे? दो, अच्छा 6 आदमी थे। पहचानते हैं? दुकान में हम ही दोनों थे। लूटने वाला कितने लोग थे? 2 आदमी। क्या था उनके हाथ में? बंदूक था। दोनों के हाथ में? एक हाथ में था। दोनों के हाथ में था? पहचानते हैं? क्या लगता आपको, क्या लगता? पुलिस आई है? पुलिस आई है? ये कहाँ घटना हुआ है? कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? क्या नाम है आपका? पति का? पति चारों बेटी की भी मार।
तो अगर केस करवाए तो चारों बेटी गोली मार के था के था वो के था आपका क्या नाम है पति का घर मैं पेटी हुआ क्या चीज पैसा किसके और मोबाइल संजीव कुमार था क्या चीज का दुकान है कपड़े का क्या थोक ऐसे क्या हॉट सेट कैसे क्या कैमरा का डॉक्यूमेंट क्या सर आप बोले ना क्या क्या फिर भी दिखा के पैसा लूट के चल गया हथियार ले गए हाँ यही आया था कितने लोग से थे दो आर्मी से क्या मुझे घटना आठ पाँच क्या नाम है आपका कितना पैसा लगा एक लाख का गिने नहीं थे सर 50,000 का गड्डी था 500 का और खुदरा सेल था आठ का क्या धमकी उनको दिया पूरा केस करिएगा तो फिर गोली मार देंगे छोड़ दीजिएगा तो बोलिए पहचानते हैं उसको नहीं पहचानते नहीं है। भागलपुर में सोमवार की देर रात हुए कपड़ा व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने 6 घंटों के अंदर घटना में शामिल 3 बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस ने कुख्यात रूपेशवा यादव को जगदीशपुर थाना क्षेत्र से लूटे गए रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर रेलवे फाटक के समीप कपड़ा व्यापारी से हथियार के बल पर अज्ञात 3 अपराधियों द्वारा पैसे एवं मोबाइल लूट ली गई थी। इस संबंध में मधुसूदनपुर थाने में सुसंगत धाराओं में पंजीकृत मामला को कराया गया था। मामले के उद्भेदन के लिए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 6 घंटे के अंदर घटना में सफल उद्भेदन किया गया, जिसमें कुल 3 अपराधियों को लूटी गई पैसे, 2 मोबाइल, 3 देसी कट्टा, कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ जगदीशपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। मालूम हो गिरफ्तार 3 अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। नाथनगर में हुए डबल मर्डर मामले में रूपेशवा आरोपी है, वो पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। एसएसपी ने आगे बताया कि टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी को 20,000 नगद पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है और जिसमें कुल 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 कट्टा है और 1 पिस्टल है और 13 कारतूस है। इसके साथ ही साथ कल एक घटना हुई थी शाम को, एक मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत नूरपुर फाटक रेलवे स्टेशन के बगल में, वहाँ पे कपड़ा व्यवसायी हैं और उनके गल्ला से कुछ पैसे की लूट हुई थी और उसमें 3 अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर यह लूट की गई। और ये घटना जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आई तो SDPO सिटी अजय चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि SHO मधुसूदनपुर सफदर अली थे, इंस्पेक्टर रंजीत BIU के और सब इंस्पेक्टर आदर्श, राकेश, राहुल, हवलदार मनोज शाह, सिपाही अभिमन्यु प्रकाश, पप्पू, युगल किशोर मंडल और राजा राम महतो। ये एक टीम थी जिसने इस घटना पर काम करना प्रारंभ किया और घटना घटित होने के चंद घंटों के भीतर ही इसमें शामिल जितने 3 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और इसके साथ ही साथ जो घटना में लूटा हुआ मोबाइल था उस मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की गई और घटना में जितने पैसे की लूट हुई थी 51,000 रुपये की लूट हुई थी उस पूरे पैसे की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई और घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी एक UP के नंबर की बाइक है उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। ये जो 3 अपराधी हैं रूपेश, विकास और आशीष, इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। रूपेश, आप सभी लोगों को याद होगा कि मधुसूदनपुर में एक डबल मर्डर हुआ था 67/24 जिसकी कांड संख्या है, उसमें भी ये वांछित था जिसमें अन्य अभियुक्तों को जेल में भेजा जा चुका है। रूपेश पर कुल 5 कांड अभी तक हम लोग को उसका जो आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, इसमें एक हत्या का कांड है और 2 रंगदारी के कांड हैं, एक आर्म्स एक्ट का है और एक NDPS एक्ट है। इसी प्रकार विकास के ऊपर भी 5 कांड पूर्व से दर्ज है, इसमें एक डकैती का है, एक लूट का है, एक आर्म्स एक्ट का है, एक विस्फोटक अधिनियम का है और एक रंगदारी का है। आशीष पे भी 2 कांड पूर्व से बबरगंज थाने में अंकित हैं जिसमें वो जेल जा चुका है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा 3 कुख्यात अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई, लूटे हुए सारे पैसे की बरामदगी की गई, लूटे हुए मोबाइल की बरामदगी की गई, इसके साथ ही साथ 4 हथियार जिसमें 3 कट्टा और 1 पिस्टल और 13 कारतूस की बरामदगी सुनिश्चित की गई है। और इस पूरे घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए
और इस अच्छी उपलब्धि के लिए जो टीम है उसको 20,000 रुपए का। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सावन का महीना आते ही अजगैवी नाथ नगरी सुल्तानगंज भक्त जनों के भजनों के जयघोष से गुंजायमान है। सावन महीने में हर सोमवार की रात भक्तों को जुमाने के लिए देश के प्रसिद्ध गायकों को लाया जाता है। पहली सोमवारी पर गायक हंसराज रघुवंशी ने माहौल बना दिया। हंसराज ने एक से बढ़कर एक गाने की प्रस्तुति देकर जिलाधिकारी एसएसपी समेत हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हंसराज रघुवंशी ने सबसे पहले जय शिव शंकर गाया, उसके बाद ओम नमः शिवाय के साथ कई भजनों की प्रस्तुति दी। प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी के बीच कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। दर्शक हंसराज की एक झलक पाने को बेताब दिखे। भारत के अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आज उसी महापुरुष चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। इसी मौके पर भागलपुर जिले के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने आदमपुर चौक पर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते चले कि ऐसे महान आत्मा को जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजी सिपाही ने गिरफ्तार किया तो मजिस्ट्रेट ने इनसे अपना नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास जेलखाना कहा। वहीं जयंती और महाश्रद्धांजलि के मौके पर भाजपा अध्यक्ष संतोष कुमार शाह, डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भागलपुर जिले में बीते 2 दिनों से तमाम होमगार्ड के जवान काला बिल्ला लगाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। उनकी 20 सूत्री मांगों को लेकर आज 3रे दिन काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन संपन्न किया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार हमारी मांग को अनसुना कर रही है, उसे नींद से जगाने हेतु हम लोग आगामी 5 अगस्त 2024 को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। तदनुसार अपनी मांगे पूरी नहीं की गयी तो आगामी 31 अगस्त को राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार अभी तक सोई हुई है, हम लोगों के प्रति न कुछ कोई शुभ समाचार मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग विवश होकर दिनों के 5 अगस्त को हम लोग पुनः 1 दिवसीय धरना सरकार के जिला समरणालय समकक्ष में जिला पदाधिकारी के समक्ष हम लोग 5 तारीख को पुनः 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम जो
पूर्व में निर्धारित है दूसरा चरण वो करेंगे। यदि इस पर भी सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी तो हम लोग केंद्रीय कमेटी में 31 अगस्त को आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार, पूरे बिहार का अग्रक्षक तैयार है और हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। भागलपुर की सनहौला थाना क्षेत्र के ताड़र गांव में बीती दोपहर ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पंचायत समिति सदस्य अभिनव कुमार सिंह ने बताया कि ताड़र के फुलवाड़ी टोला निवासी रंभो यादव पिता जमादार यादव खेत का काम करने गांव से पूरब अंतिबंद बहियार में अपनी पत्नी के साथ गया था। दोपहर में अचानक वर्षा होने लगी। पानी से बचने के लिए रंभो यादव बगल के ताड़ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, जबकि उसकी पत्नी खेत में काम करती रही। इसी बीच वर्षा के साथ अचानक तेज आवाज के साथ बिजली चमकी और ताड़ वृक्ष पर ठनका गिरा और रंभो वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। वहीं सनहौला थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।